पूरा स्टेट वे में जाना हुए मैं जलाता रहा। और आगे चलते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप कितना अच्छा एक पेंटिंग है। यहाँ आकर के आप सभी के मन में आ रहा होगा कि अब कैसे जाए कहाँ से जाए, नहीं ठीक है। और यहाँ पर आप सब बहुत चीज मतलब ये जो है ना ये एक किसी का बोल सकते हैं धार्मिक स्थल और टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से भी अंदर जाता है लेकिन आप उस साइड से भी टर्न होकर के जा सकते हैं। चलते हुए डायरेक्ट आगे जा सकते हैं। सीधे चलिए और मैं इसीलिए वीडियो को कट नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो सकता है। आप लोग थोड़ा बहुत बढ़ा करके स्पीड करके देख लेना, ठीक है। वैसे मैं वीडियो को काटने वाला नहीं हूँ। हाँ और फिर यहाँ से बोल रहे हैं नहीं जाने के लिए, यहाँ से जाना होगा। नीचे में तो बहुत भीड़ है ना, चलिए कोई बात नहीं। और अब इस साइड से इस साइड जाना होगा, वहाँ से आए अब इस साइड से इस साइड जाना होगा। इस साइड चलते हुए अब सीधे अब आपको एक बात दिखा दे तो मतलब यहाँ से जो है ना वहाँ पर आप जो देख रहे होंगे यही पशुपतिनाथ एरिया है। आज कोई आ रहा है इसीलिए इस साइड से नहीं जाने दे रहा है तो हमको अब इससे जाना होगा। और यहाँ पर जो पुलिस लोग था वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब विद्या देवी भंडारी जी प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल आई हुई हैं, तो इसीलिए विद्या देवी भंडारी जी आई हैं। तो देखिए उनका फोटो मिल सकता है कि नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो मुश्किल ही हो सकता है, मुश्किल ही है नहीं मिल सकता है। मतलब यहाँ इतना लोग शायद पॉसिबल नहीं ना मित्रों, देख रहे हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति से जाना होगा डायरेक्टली वी कैन गो फ्रॉम हियर। सो गाइस बहुत ही मुश्किल है अंदर जाना, अंदर जाना तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जा सकते हो। तो सो अब वो तो पॉसिबल नहीं हुआ, तब आपको क्या दिखाए यार, बोले थे वही दिखा देंगे लेकिन अब पॉसिबल नहीं है, उसमें मेरा क्या गलती, पॉसिबल ही नहीं है। सो देखिए कुछ कुछ नज़ारे यहाँ के, तो गाइस यहाँ पर आप सब देख सकते हैं फूल पत्ती फूल तरह तरह के फूल वो हैं और बहुत कुछ आप सब यहाँ पर एज अ टूरिस्ट जब आते हैं तो ले सकते हैं, लोकल भी बनकर आप ले सकते हैं। लेकिन यहाँ आप गाइस देखेंगे ना काठमांडू में, काठमांडू में जगह जगह पर आप सबको मंदिर देखने मिल जाएगा, रोड में भी आपको मंदिर ही दिखेगा और वहाँ पर भी लोग पूजा करे हुए करते हैं।